लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। सबसे पहले मैं विशेष रूप से आप सबका, विशेष रूप से भारतीय शिक्षण मंडल का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भविष्य के बारे में विचार करते हुए सार्थक एजुकेशन इसके बारे में विचार करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सार्थक जो शब्द होता है उसका संबंध परफेक्टनेस के साथ है, और अक्सर हम ये कहते हैं कि नो वन इज परफेक्ट, उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम अप टू इंफिनिटी, यू कैन नॉट कैच योर ओन इमेज। तो कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि परफेक्शन ये थोड़ा सा कंसेप्ट जो है ये 100% होना नहीं होना, इसके बारे में लोगों के मन में साशंकता होती है। पर एक बात जरूर है कि परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ना, टारगेट के नजदीक पहुंचना, ये भी उतना ही आवश्यक है। और इसलिए एजुकेशन में एप्रोप्रिएट विजन के साथ परफेक्शन की तरफ मार्च करने की आपकी जो विजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भविष्य का देश इसी विजन पर कैसा बनेगा ये निश्चित होने वाला है। विजन के बारे में ऐसा अक्सर कहा जाता है कि यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान करना आसान है पर दृष्टि दान करना बहुत कठिन है। लैक ऑफ विजन ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है, और ये जो विजन है ये एप्रोप्रिएट विजन को स्वीकार करना केवल एक ही क्षेत्र में नहीं तो सर्वांगीण क्षेत्र में इस एप्रोप्रिएट विजन को स्वीकार करके उसके ऊपर कार्यान्वयन करना, इंप्लीमेंटेशन करना, यही देश के राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का हमारा सबका सपना है। और इसलिए इस विजन को इलाबोरेट करने के लिए, इसको और क्रिस्टल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड और अचीवेबल ये बनाने के लिए आप लोग सब यहां इकट्ठा हुए हैं, तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से देश को एक नई विजन इससे प्राप्त होगी। जब इस कार्यक्रम के लिए मुकुल जी ने मुझे बुलाया तो पहले इसमें मैंने उनको पहले ही कहा कि मुझे क्यों बुलाते हो, क्योंकि मैं शिक्षा का कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं और मैं जानता हूं कि आप जैसे विद्वान लोगों के सामने मैं क्या कह पाऊंगा। पर एक बात जरूर थी कि मेरे मन में जो कुछ शंका है, आशंकाएं है, और मुझे जो लगता है कि जिसमें आपका सहयोग मिल सकता है वह रखने का एक अवसर मुझे मिला है, क्योंकि मुकुल जी जब मुझे कहते हैं तो मैं उनको कभी नहीं नहीं बोलता, तो उनके मेरे बहुत पुराने संबंध है, तो मैंने उनको आग्रह करने के बाद कहा कि मैं, आप कह ही रहे आखिर में तो मैं आऊंगा। तो मैं अधिकार व्यक्ति भी नहीं हूं, इस क्षेत्र में मेरा अधिकार भी नहीं है, और इसलिए मैं केवल अपने मन की कुछ विचार आपके विचारार्थ रखना चाहता हूं। स्वाभाविक रूप से जो विजन आप सब लोग मिलकर निश्चित करने वाले हो वो विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले आपको कहा था। मुझे स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे मन में अभी भी बहुत पक्का बैठा हुआ है। मैं कलकत्ता में विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ताओं के चिंतन बैठक में दत्तोपंत जी बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि एवरी पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट इज नेक्स्ट इलेक्शन एंड एवरी सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्मर, जो राष्ट्र का पुनर्निर्माण करते हैं, दे थिंक्स फ्रॉम सेंचुरी टू सेंचुरी। तो उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में 5 साल का विचार होता है, स्वाभाविक भी है कि कुछ चुनाव जीतना बहुत महत्वपूर्ण होता है, पर जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन और राष्ट्र के पुनर्निर्माण का विचार करते हैं वो सेंचुरी टू सेंचुरी करते हैं। और ये विचार बहुत महत्वपूर्ण है, कभी कभी इसमें गलती हो जाती है तो
बहुत समस्याएं खड़ी होती है। 96 में मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, तो मेरे जो सेक्रेटरी थे, मैं एक दिल्ली मुंबई और पुणे के बीच में उस समय एक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कर रहा था, तो मैं मेरे सेक्रेटरी ने मुझे कहा कि हम 2+2 चार लेन का रोड बनाएंगे। तो मैंने कहा ये मुंबई और पुणे में इतना ट्रैफिक है, अगले 50 साल में क्या होगा, आप मेरी ऐसी कैसी बात आप करते हो। तो उन्होंने कहा कि साहब अभी दूर का मत सोचो, अपने पास पैसे नहीं है। मैंने कहा पैसे आ जाएंगे, पर 50 साल तक ऐसा सोचो कि फिर से ये समस्या को निर्माण नहीं होनी चाहिए। और उनमें और मैं चर्चा होते होते मैंने 16 लेन का पक्का किया। अब वो 16 लेन से 6 लेन बन गया है, अब उसको 4-4 लेन बढ़ा रहे हैं। तो अब ध्यान में आया कि वो भी कम पड़ रहा है। अभी मैं चेन्नई में और पुणे में एक पुणे से शिरूर तक एक रोड बना रहा था, तो वहां 1.5 लाख PCUs का ट्रैफिक है। तो एक वेंकट रमन करके L&T के डिजाइनिंग इंचार्ज है, उनको मैंने कहा कि मुझे ऐसा डिजाइन तैयार करके दो कि जिसमें नीचे में रोड होगा, ऊपर में एक फ्लाईओवर होगा, नीचे में 8 लेन, उसके ऊपर 6 लेन, उसके ऊपर 6 लेन, और 6 और 6 12 और 8 20 लेन, और उसके ऊपर में मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डायरेक्ट जाकर इलेक्ट्रिक पर चलने वाली इसको बनाना है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ऐसा देश में बना नहीं है, मतलब बना नहीं, तो इसीलिए तो कह रहा हूं आप बनाओ करके। अब मैं चेन्नई में भी इसी प्रकार का फ्लाईओवर हमने डिजाइन किया। ये क्यों मुझे कल्पना मिली, क्योंकि नागपुर में मैं रहता हूं, तो मैंने पहले हमारे एक फ्लाईओवर बनाया, और फ्लाईओवर बनाते समय नीचे में रोड है, ऊपर में फ्लाईओवर है, और उसके ऊपर में मेट्रो है। तो जब पहली बार ये हुआ तो लोगों को इतनी खुशी हुई, तो पूरे देश के लोग अब उसका अनुकरण कर रहे हैं। तो मुझे देवेंद्र जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने मुझे कहा नितिन जी मेरे हाथ से थोड़ी गलती हो गई। बोला क्या हुआ? बोले आपने ये ऐसा बनाया नागपुर में, यही अगर मैं मुंबई में पूरी मेट्रो में करता कि ऊपर में नीचे में रोड, ऊपर में फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो, तो शायद कम पैसे में मुंबई का ट्रैफिक जाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, पर मुझे यह ध्यान में नहीं आया। ये मैं आपको दोनों उदाहरण इसलिए बता रहा हूं कि भविष्य का सोचने के लिए कम से कम 50 साल का सोचो, और 50 साल का सोचकर इस नीतियों को बनाओ। अदरवाइज दत्तोपन जी का दूसरा कहना है जो अक्सर मैं याद रखता हूं, वो ये कहते थे कि शॉर्टकट मत मारिए, शॉर्टकट कट यू शॉर्ट, ऐसा उनका वाक्य था। तो हमें जब राष्ट्र का पुनर्निर्माण करना है तो हमारा थिंकिंग 50 साल तक सोच का होना चाहिए। अब उस 50 साल का होने के बाद समस्या है, अक्सर ये लोग बोलते हैं कि कैसा करेंगे, पैसा कहां से आएगा, तो कम से कम मेरे ऊपर विश्वास रखिए, मैं ऐसे लाखों करोड़ के निर्णय उंगलियों पे करता हूं, करा दो। आज मैंने गोपाल जी को बताया कि मैं ऐसे आ रहा हूं, शिवराज जी के आ रहा हूं, चीफ मिनिस्टर को बोल दो 3-4 हजार करोड़ तुमको दे के चला जाऊंगा, ये प्लान है, ये बढ़ा देता हूं। तो प्रॉब्लम यह है कि पैसे की देश में कमी नहीं है, ये कम से कम मेरे ऊपर विश्वास रखकर आप विश्वास रखिए। मैं पिछले 5 साल में मंत्री होने के नाते 17 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका, और अभी मैं इस साल 5-6 लाख करोड़ के काम कर चुका हूं, और बजट का पैसा सीमित है। मुझे बहुत अच्छा बजट दिया इस बार अर्थ मंत्री जी ने, 1,18,000 करोड़ का, पर उनका बजट 1,18,000 करोड़ का और मेरा बजट 5,06,00,000 करोड़ का है, तो मैं टोटल 8,00,000 करोड़ के काम करता हूं। मेरे साथ प्रॉब्लम यह है कि पैसा खर्चा नहीं होता, मेरा प्रॉब्लम पैसे का नहीं है, खर्चा नहीं होता, यह प्रॉब्लम है। मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं कि 50 साल की सोच के साथ जो विजन बनेगी उसके साथ स्ट्रांग पॉलिटिकल व्हील चाहिए, इच्छा शक्ति, पॉजिटिव इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अहंकार और ईगो और आत्मविश्वास, ये शब्द अलग अलग है। आत्मविश्वास और अहंकार इस शब्द में अंतर है।
पॉजिटिविटी और आत्मविश्वास, इसके साथ स्ट्रांग पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति। और मुझे मालूम है कि वो इच्छा शक्ति के बारे में मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आप में ऐसे अनेक लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए समर्पित किया है। हम दो चार रहे न रहे पर तेरा वैभव अमर रहे मां, इस विचार के लिए जीने वाले अनेक लोग आप सब हैं, तो आपके सामने इसको मुझे नहीं लगता बताने की आवश्यकता है। तो स्ट्रांग पॉलिटिकल विल आप में है। मैं मजाक में कहता था कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। आई एम नॉट टॉकिंग इन यूर रेफरेंस, मैं आपके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मैंने अपने पास एक छोटा सा एक्रिलिक पर एक वाक्य लिख कर रखा है, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। मुझे काम करने वाले लोग चाहिए, मुझे समस्या गिनाने वाले लोग नहीं चाहिए। और लोगों में क्षमता है, लोगों में कोई कमी नहीं है। अभी हमारे यहां एक व्यक्ति, हमारे लोगों ने एक दिन में 25 किलोमीटर रोड बनाया, डाम्बर बिटुमेन रोड, एक दिन में 25 किलोमीटर। अभी ये मुंबई दिल्ली हाईवे पर, यही आपके मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर, एक कॉन्ट्रैक्टर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, इसने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और एक 24 घंटे में उन्होंने 2.5 किलोमीटर 4 लेन सीमेंट कंक्रीट का रोड बनाया एक दिन में। तो पहली बात ऐसी है कि हमारे पास अहंकार नहीं होना चाहिए पर आत्मविश्वास होना चाहिए। विजन पर्याप्त ऐसी है कितनी भी दूर की हो, पर काम करने की पॉजिटिविटी और इच्छा शक्ति चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। और वो पूरा इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें इच्छा शक्ति के साथ उसके साथ पूरी करने की कमिटमेंट चाहिए। और मैं ये मानता हूं कि ये तीनों बातें अगर साथ में आएंगी तो निश्चित रूप से आप जो विजन तय करेंगे वो पूरी होगी। जो विषय मैं आपके सामने विचारार्थ रखना चाहता हूं वो ये है कि शिक्षा का उद्दिष्ट क्या है। मैं मानता हूं कि आप लोग पहले बहुत सिंपल भाषा में जरूर इस पर विचार करिए, शिक्षा का उद्दिष्ट क्या है। एक बात जरूर है कि प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन, तीनों के उद्दिष्टों में भी फर्क पड़ सकता है। हर आदमी कोई डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनना जरूरी नहीं है, और सबको बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। एमएससी बॉटनी फर्स्ट मेरिट, मैं एक बार गया था रिजर्व बैंक में, तो मैंने कहा आप एमएससी बॉटनी फर्स्ट मेरिट हो? बोला हाँ। मैंने यहां क्या करते हो? बोले नोटा गिनने का काम करता हूं। मैंने बोला बॉटनी का क्या संबंध है? बोले मेरे को नौकरी लग गई, अब रिजर्व बैंक में आ गया। तो शिक्षा के साथ साथ जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनमें निश्चित रूप से एक क्लास ऐसा होगा कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कुछ है, और वो लोगों की सोच भी अलग है। मुझे एक मौका मिला 20 दिन पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, शशि थरूर और मेरा ऐसा दोनों का कार्यक्रम हुआ, और अमेरिका में करीब 4000 बच्चे हॉल में बैठे थे और वो हमको सवाल पूछ रहे थे। तब मेरे ध्यान में आया कि हमारे सोचने के साथ साथ वो कितना दूर का सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह सोचना होगा कि वर्ल्ड में अगर हमको दुनिया के साथ कॉम्पीट करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो ऐसे कि उद्दिष्ट के बारे में तो सब उद्दिष्टों की चर्चा मैं करता नहीं, क्योंकि वो तो आप लोग करते ही है, बहुत सी बातें आपके पास है। पर मेरे रेफरेंस में जिन बातों का मैं जिक्र करना चाहता हूं वो पहला इंपॉर्टेंस यही है कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है, हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर एक की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। आत्मनिर्भर भारत, ये जो प्रधानमंत्री जी की सोच है वो पहले इसमें यह है कि हम हिंदुस्तान की इकोनॉमी को
वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी में नंबर वन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। अब नंबर वन की इकोनॉमी बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो प्लान किया उसमें हमें कहा है कि 111 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और पाइपलाइन में। अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर 111 लाख करोड़ का अगर हमको बनाना है तो मैंने यह हमको आश्वस्त किया है कि मेरे 5 साल इस बार अभी 1.5 साल और हुआ है पूरा और 3 साल है, तो 3 साल पूरे होने के बाद मैं इंडियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिकन इंफ्रास्ट्रक्चर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और यूरोपियन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबरी में पहुंचाने का काम करूंगा। अब ये अगर करना है तो स्वाभाविक रूप से जो ग्लोबल इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत के जो कुछ हमने पैरामीटर्स तय किए हैं, क्या वो हमारे वाइस चांसलर, हमारी यूनिवर्सिटी ग्रैंड UGC और बाकी सब लोगों को उसमें निश्चित रूप से सरकार की उस एजेंडा पर एजुकेशन फील्ड में प्लान करना होगा। अगर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो टेक्नोलॉजी चाहिए, और दो बातें और इंपॉर्टेंट है जिसका अक्सर मैं जिक्र करते रहता हूं, एक है नॉलेज, नॉलेज एज ए पावर, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज ए नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। तो आपके पास तो नॉलेज का भंडार है, और दूसरी फिलॉसफी जो है कि नो वन इज वेस्ट, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द विजन, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। टू इंपॉर्टेंट फिलॉसफी जो है कि नो वन इज वेस्ट, आपके पास ऐसी लीडरशिप आपको तैयार करनी है जो समाज में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, ऑल सेक्टर्स में जाएगी, वो ऐसी प्रभावी लीडरशिप देंगी कि ऐसी विजन देंगी और ऐसा इंप्लीमेंटेशन करेगी कि कितनी भी कठिनाइयां होगी तो भी वेल्थ में उसका कन्वर्शन करेगी। तो नॉलेज टू वेल्थ हम कर रहे हैं। पूरे दुनिया में अच्छे डॉक्टर्स में अमेरिका में 10 डॉक्टर में 4 डॉक्टर भर्ती है, आज UK में हमारे डॉक्टर पॉपुलर है, और सॉफ्टवेयर में तो आज हमारा डंका है पूरे वर्ल्ड में, और जहां जहां जर्मनी में, जापान में, सब जगह पर ये जो हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इनका बहुत बड़ा रिकग्निशन है, रेपुटेशन है, उनको अच्छी सैलरी मिल रही है। मुझे याद है एक बार मैं जापान में गया था तो प्रधानमंत्री जी के घर पर गया था, तो अंग्रेजी तो नहीं बोलते पर वो जापानी में उन्होंने ट्रांसलेट करके मुझे सवाल पूछा था कि मुझे बताइए व्हाट इज द रीजन कि हिंदुस्तान के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इतने होशियार कैसे हैं, क्या उनके शरीर में कोई मैथमेटिक्स के जीन्स है क्या कि वो इतने होशियार हैं। ये हमारे पास रेपुटेशन है, तो हमारे पास टैलेंटेड, स्किल्ड, एजुकेटेड यंग मैन पावर की कमी नहीं है, वर्ल्ड में हाईएस्ट मैन पावर हमारे पास है, और हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको विजन देकर वी कैन मेक मिरेकल्स। और इसलिए समाज के सभी क्षेत्रों में हमें परिवर्तन अगर लाना है तो हमारी आवश्यकता क्या अभी आप समझेंगे तो ही होगा ना। अभी WCL वेस्टर्न कोलफील्ड नागपुर में हमारे यहां पर माइनिंग का कोई कॉलेज ही नहीं है। अब हमारे यहां अगर माइंस है, टूरिज्म है, अगर मध्य प्रदेश में टूरिज्म है तो टूरिज्म के कॉलेज ही नहीं होंगे तो उस होटल्स में काम करने वाले शेफ से लेकर वेटर से लेकर कहां तैयार होंगे। मैं कनाडा में गया था वैनकोर के आगे जंगल में, तो वेजिटेरियन था तो मेरा परिवार साथ में था, तो मैं पूछता था होटल में इंडियन शेफ है क्या, आपको ताज्जुब लगेगा मुझे हर जगह मिला, और कहां से आया था, उत्तराखंड से, हिमाचल या उत्तराखंड से, इतने वहां तक वो पहुंचे हैं जिसमें हुनर है, जिसमें स्किल्ड है, जिसमें टैलेंट है उसको रोजगार है। और ये तो विवेकानंद जी ने कहा है कि नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। तो पहली बात, शिक्षा का उद्दिष्ट जो होगा आत्मनिर्भर भारत में वो रोजगार निर्माण करना होगा। रोजगार निर्माण नहीं होगा तो गरीबी दूर नहीं होगी, रोजगार अगर निर्माण नहीं हुआ तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी,
और बेरोजगारी दूर नहीं हुई तो गरीबी दूर नहीं होगी, और गरीबी दूर नहीं हुई तो देश की ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। जीडीपी अगर बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा कैसे? अगर पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी कहां से बढ़ेगा? अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में मुझे याद है, मैं बीजेपी का अध्यक्ष था तो मैंने शिवराज जी का सत्कार किया था, तो एग्रीकल्चर में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ मध्य प्रदेश में थी। अब मुझे बताइए, हमारे देश में एक समय गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, 80% ऑफ हमारी जनसंख्या गांव में बसती थी। अब 35% माइग्रेशन हुआ, क्यों हुआ? खुशी से हुआ? नहीं, मजबूरी से हुआ। गांव में रोजगार नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे अस्पताल नहीं, और इसलिए गांव के लोग शहरों की तरफ आने लगे, शहरों में झोपड़पट्टियां बढ़ी। और इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होगी कि हमें रोजगार निर्माण करना होगा, और रोजगार निर्माण करते समय शिक्षा में आपको यह सोचना होगा कि आज हमारी 30% पॉपुलेशन का माइग्रेशन हुआ है, और ये जो पॉपुलेशन अभी 65% है वो एग्रीकल्चर, रूरल एंड ट्राइबल एरिया में है, और इसमें से 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। तो हमें सोचना होगा कि उन लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे मिलेगी, उन लोगों की इकोनॉमी कैसे बदलेगी, और ये लोगों का पर कैपिटा इनकम, जीडीपी अगर नहीं बढ़ता है तो देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ग्रामीण भारत को, कृषि भारत को समृद्ध संपन्न करना होगा, रोटी, कपड़ा, मकान का विकास करना होगा। और इसलिए गांधी जी ने कहा था, वी नीड मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम मासेस, विथ मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। तो हमारे पास क्या इसका कोई विचार हमने किया है? मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं, अभी हमने गोबर से पेंट बनाने का काम शुरू किया, अब 7000 इंडस्ट्री हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आई है कुमारप्पा इंस्टीट्यूट में, और वो गोबर का पेंट जो है वो मार्केट में कोई भी पेंट जो एनिमल पेंट है, ऑयल पेंट और टेस्टेम पर, उससे अच्छा है, उसको वर्ल्ड की लेबोरेटरी का सर्टिफिकेट है, और उसमें 8 फीचर्स ऐसे है कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, भारतीयता है, भारतीय संस्कृति है, जिसमें हम जल, जमीन, जंगल और जानवर की बात करते हैं, जिस इकोनॉमी की, गाय की बात करते हैं, उसमें ये सिद्ध हुआ है कि ये पेंट में 8 फीचर्स ऐसे कि फंगस नहीं लगता, स्मेल नहीं लगता, और उस पेंट की कॉस्ट ये मार्केट के पेंट से आधी पे, वो 550 लीटर बेचते, ये 225, और इसमें गोबर का भाव होगा 5 रुपए किलो। तो मैं लगातार पीछे पड़ा हूं एमएसएमई और खादी ग्राम उद्योग की, मेरी इच्छा है कि हर गांव में एक पेंट की फैक्ट्री खुले और 5 रुपए किलो गोबर खरीद किया जाए। तो 5 रुपए के भाव से अगर होता है तो एक एक गाय 20 किलो देती है तो 100 किलो हो गया, जिसके पास 5 जानवर है तो 5 जानवरों से आराम से 100 किलो हो जाएगा, तो 500 रुपए हो गया, तो 15,000 रुपए महीना, 15 छोड़ दो, 10 से 12,000 रुपए महीना अगर गांव के गरीब को गोबर बेच के मिलेगा तो कौन किसान आत्महत्या करेगा? टेक्नोलॉजी है, प्रूवर है, देर इज नो प्रॉब्लम अबाउट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नथिंग, एवरीथिंग इज प्रूवन, कोई स्टैंडर्ड कमी नहीं है। मैंने अपने रूम में लगाया और ये उसके ट्रायल करने के बाद तो गोहत्या करना, गोहत्या आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं। उषा जी, हम अगर हर गाय को, अभी मैंने उसमें और एक कहा उनको कि अभी मैं प्रयोग करता हूं कि गौमूत्र और ह्यूमन यूरिन और बाल, चाहे एनिमल के हो चाहे आदमी के हो, इससे अमीनो एसिड बनता है, और अमीनो एसिड बनाकर वो प्लांट पुस्टर है, तो प्लांट की ग्रोथ बढ़ती है, तो वो अमीनो एसिड बेस्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बनाएंगे तो वो भी काम है, वो भी 2 रुपए किलो, ये 2 रुपए लीटर और 2 रुपए लीटर, तो ये भी धंधा चालू हो जाएगा। तो ये बहुत पॉपुलर है। अरे ये हम लोग 6 करोड़ का टर्नओवर करते हैं इसमें, तो मैं 25% में हम बेच देते किसानों को, मैं किसानों में काम करता हूं, ये पॉपुलर है। तो ये आपकी आत्मनिर्भर भारत बनाने समय कृषि, ग्रामीण क्षेत्र का विचार करने की बात करनी पड़ेगी।
टू टेक यू द टेक्नोलॉजी अप टू द विलेज लेवल। और इसलिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर्स बढ़ना चाहिए। अभी मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, मैं ऑटोमोबाइल का मंत्री हूं और इस देश में पोल्यूशन होता है डीजल पेट्रोल के कारण, सब हम तंग हैं। और हम लोग हर साल 8,00,000 करोड़ रुपए का फॉसिल फ्यूल पेट्रोल डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं सुदर्शन जी बहुत पहले कहते थे तो सुदर्शन जी चले गए, फिर मेरे ऊपर सौंप दिया उन्होंने, तो मैं भी पहले उनको भी लोग इतना बड़े होने के बाद भी कैसा होगा तो विश्वास नहीं रखते थे, मैं भी कहता था 12 साल से मैं कह रहा हूं। अब सब लोग मानने लगे कि भाई अल्टरनेटिव फ्यूल हो सकता है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो पूरी तरह से इथेनॉल आया, मिथेनॉल आया, बायोडीजल आया, बायो सीएनजी आया, इलेक्ट्रिक आया। अब मेरी आप समस्या समझिए कि मैंने अपने आज सभी इंस्टीट्यूशन की मीटिंग बुलाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रधानमंत्री जी के एडवाइजर आए, डिफेंस के डीआरडीओ के आए, इसरो के लोग आए, 70-80 लोग बैठे। और मैंने उनको कहा कि 2 साल के अंदर मुझे पेट्रोलियम स्कूटर कार और डीजल की बस इसकी कीमत इलेक्ट्रिक के साथ करना है। इलेक्ट्रिक सोलर से होती है, 2.40 रुपए यूनिट अभी सोलर का रेट आया, तो एक गाड़ी पर आपका पोल्यूशन भी कम होगा, इंडिजिनियस होगा, रोजगार भी निर्माण होगा। तो लिथियम आयन बैटरी, अब लिथियम आयन बैटरी इस देश की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सहस्त्रबुद्धि जी इंजीनियरिंग के इसमें से हमारे AICTE के अध्यक्ष हैं, तो मैं उनको अनुरोध करूंगा कि हमारी IIT, हमारी इंजीनियरिंग कॉलेज लिथियम आयन बैटरी, एल्यूमिनियम आयन बैटरी, सोडियम आयन बैटरी, जिंक आयन बैटरी और स्टील आयन बैटरी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर काम करेगी। तो अब हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर पानी से हाइड्रोजन निकालकर बस चलाने की भी शुरुआत हो गई। तो हमारे देश में अगर पानी से हाइड्रोजन मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन, और उससे बसें चलेगी, ट्रेन चलेगी, और हमारी सब स्कूटर हमने सोलर एनर्जी की ग्रीन पावर के ऊपर चलेगी, और 8,00,000 करोड़ का इंपोर्ट बच जाएगा, हम स्वयं पूर्ण हो जाएंगे, तो हमारे देश की कितनी प्रगति होगी, कितना विकास होगा, आप सोचिए। अभी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मैं ही मंत्री हूं, 4.5 लाख करोड़ की है, और अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी हमने लाई है। अब उसके बाद मैंने तय किया है कि 10,00,000 करोड़ की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है। तो 10,00,000 करोड़ की अगर इस इंडस्ट्री को बनाना है तो हम निर्णय कर रहे हैं, पर हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे IIT कॉलेज हमारी फ्यूचर डेवलपमेंट में हमारे साथ कोऑपरेट नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, और वो इसमें रिसर्च करने की क्षमता है। प्रधानमंत्री जी अक्सर एक बात को कहते हैं कि हम साइलो में सोचते हैं, ये सहस्त्रबुद्धि जी क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं, मैं क्या कर रहा हूं इनको मालूम नहीं, ये क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, क्योंकि आपस में तालमेल नहीं है। पर हमारे बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन होगा, और हम सब IIT और इंजीनियरिंग वाले ठान लेंगे कि हम लोग 2 साल के अंदर हम इस पे करेंगे। अभी 81% लिथियम आयन बैटरी देश में बन रही है, और मेरा विश्वास है कि 2 साल के अंदर हम लोग इसकी प्राइस कम होते जा रही है, इलेक्ट्रिक स्कूटर और ऑटोमोबाइल की स्कूटर की कीमत सेम हो जाएगी, तो हमारे देश में 8,00,000 करोड़ अगर बच जाएंगे तो कितनी बड़ी बात होगी, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, प्रदूषण कितना कम होगा। और इसलिए हमारे किसान भी फ्यूल तैयार कर सकते हैं, हमारे देश में भी इनोवेशन हो सकता है। IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के एजेंडा पर यह विषय एक नहीं कि हमारे देश की आवश्यकता क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी में हो उस यूनिवर्सिटी के एरिया में कौन से रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उन रॉ मटेरियल्स के आधार पर कौन सी नई टेक्नोलॉजी में आप रिसर्च कर सकते हो। मैं एक बार PKV पंजाब राव कृषि विद्यापीठ में गया था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो मैंने उनको मजाक में कहा था कि मेरा मत यह कि जब तक यूनिवर्सिटी में आपको पास सरकार ने 5-5, 6-6 जाकर जमीन दी है, VC से लेकर प्रोफेसर के पगार, तुम्हें सीड प्लॉट करो, सीड तैयार करो, बेचो और प्रॉफिट कमाके आपके पगार होंगे, तब अच्छा रिसर्च होगा, नहीं तो हो नहीं पाता, क्योंकि उनका पगार सरकार के खाते से आता है। देखो, फाइनेंशियल ऑडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई फील दैट द परफॉर्मेंस ऑडिट इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइनेंशियल ऑडिट। जब तक
हमें परफॉर्मेंस नहीं दिखता तो कैसे होगा। और इसलिए यूनिवर्सिटी एक कैटलिस्ट है, और इसलिए प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन का महत्व है या रिसर्च है, इनोवेशन है, उसके लिए कुछ सिलेक्टिव लोग जाएंगे, उसको डेवलप करना ये अलग विषय हो सकता है। और दूसरी ओर माध्यमिक शिक्षा जो मिनिमम आवश्यकता उसमें कौन लोग जा रहे हैं उनके बारे में आप उसके स्टैंडर्ड तय करने में आपको सोचना होगा, और प्राथमिक शिक्षा का भी आपको वहां कितनी बातें होगी वो भी होगी। तो एक तो पहली बात तो ऐसी है कि रोजगार और हमारी आर्थिक परिस्थिति को समृद्ध संपन्न करना, इसका संबंध शिक्षा के साथ है। अगर आप सही शिक्षा, सही टैलेंट, सही स्किल, सही हुनर जिन जिन लोगों में हो, चाहे हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स में काम करे, रूरल इंडस्ट्री में काम करे, कोई भी टेक्नोलॉजी में काम करे, वो स्वयं रोजगार प्राप्त कर सकते हैं और खुद को नहीं तो रोजगार देने वाले बन सकते हैं, ये विजन एजुकेशन के द्वारा आप ही उनको दे सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूं, इसमें और एक छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा, मैं बहुत अस्वस्थ होता हूं। अभी हमने 11,000 करोड़ की टनल बना रहे कारगिल में, 4 बार टेंडर निकला था और टेंडर का 11,000 करोड़ कीमत करके फाइलें मेलो मैंने साइन करता, ये क्यों 11,000 करोड़ रुपये लग रहे। तो पीएचडी चैंबर के साथ बैठे और मैं भी खूब डिटेल में गया, और आपको ताजुब होगा कि वो टनल का काम अब जोरों में शुरू है जोजिला, और उसके टेंडर में 11,000 करोड़ के बजाय 5,000 करोड़ हमने बचाया और वो टनल का काम जो 5,000 करोड़। अभी मैं यहां आता हूं तो मैं ब्रिज देखा मैंने, अब ये ब्रिज जो बनते हैं, मैंने मुंबई IIT में रवि सिन्हा करके सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के इंचार्ज है, उनके अध्यक्षता में एक कमेटी मलेशिया और सिंगापुर की थी। अब स्टील वालों ने सीमेंट वालों ने भाव बढ़ा दिया, तो मैंने अब तो ये कसम खा ली कि इसका यूज ही कम करना, क्योंकि 40% स्टील और सीमेंट हम ही यूज करते हैं, अगर मैंने इनका 20% कम कर दिया तो थोड़ा जमीन पे आ जाएंगे। तो अभी वो जो स्टील है उसमें जो 2 पायर बनते हैं उसके बीच में 30 मीटर डिस्टेंस होता है। सहस्रबुद्धे जी, अब उसमें ये प्रूव हो गया सिंगापुर और मलेशिया में कि जो बीम है वो अगर स्टील फाइबर में बनाएंगे तो ये 30 मीटर का डिस्टेंस 100 मीटर हो सकता है। तो पूरे मेट्रो में और पूरे फ्लाईओवर में ये 30-30 मीटर का डिस्टेंस अगर 100 मीटर हो गया तो हर ब्रिज की कॉस्ट, हर मेट्रो की कॉस्ट 25% कम हो जाएगी। अब मैं कम से कम 5-6 लाख करोड़ के काम अगर साल के करूंगा, उसमें 2 लाख के ब्रिजेस है, तो समझ लीजिए कि 50,000 करोड़ तो मेरे डिपार्टमेंट में बच जाएंगे, फिर स्टेट गवर्नमेंट के बच जाएंगे। अब वो करते करते मैं पीछे पड़ा हूँ IIT और सबके पीछे कि इसके स्टैंडर्ड्स बदलो ताकि स्टील फाइबर यूज करो। ऐसी 10 बातें हैं कि हमारी IIT बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं आपको बताता हूँ, एक चेन्नई IIT ने एक हमारे कलकत्ता में हल्दिया पोर्ट को एक ड्रेजिंग करना था, हर साल 250 करोड़ रुपये लगते थे। तो चेन्नई IIT के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पहले मैंने मुझे एक मेरे साथ IIT का लड़का काम करता है, तो मैं अच्छा है, अभी मेरा जो OSD है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट मेरिट है, तो वो मेरा दूसरा उस समय था तमिलियन था, वो IIT का था, तो उसने मुझे कहा कि ये 250 करोड़ खर्चा करने की जरूरत नहीं, बच सकता है। तो मैंने चेयरमैन को कहा, चेयरमैन बोले ये हो नहीं सकता। बोले ठीक है, तुम नहीं हो सकता तो हर साल 250 खर्चा करने में उनका भी कोई इंटरेस्ट होगा ही। तो मैंने कहा ठीक है, ये चेन्नई IIT को काम दो। और चेन्नई IIT के एक इंजीनियर ने मुझे पूरा काम करके एक ऑस्ट्रेलियन कंसल्टेंट को लेकर ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया, और मैंने वो हल्दिया पोर्ट में वो चैनल बना दी, जो 250 करोड़ साल के खर्चा होते थे वो खर्चा केवल 30 करोड़ पे आया, वो IIT के कारण आया। और मैंने फिर चेन्नई IIT को 60 करोड़ डोनेशन दिया, और मैंने कहा तुम हमारे नाम पर एक नया, अभी गंगा जो बनी जलमार्ग उसमें कंसल्टेंट चेन्नई IIT बनी। तो मेरा कहना यही है कि देश के विकास के साथ जो एजुकेशन आप दे रहे, जो रिसर्च कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, उसका संबंध आत्मनिर्भर भारत में सुखी समृद्ध संपन्न भारत करने के लिए जो चीजें हम कर रहे हैं उसके साथ उसका जोड़, उसका कोऑर्डिनेशन अगर करेंगे तो दैट विल बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर आत्मनिर्भर भारत।
और इसलिए सभी क्षेत्र में, मैं एक ही उदाहरण नहीं देता, सभी क्षेत्र में आप सहयोग कर सकते हैं। और आखिर में एक ही बात कहूंगा कि भौतिक प्रगति, इकोनॉमिक प्रगति तो है ही, पर भारतीयता, अनेकता में एकता, यही हमारी विशेषता। सोशल इक्वेलिटी, इकोनॉमिक इक्वेलिटी, डेमोक्रेसी, वैल्यूज, ये तो हमारी कमिटमेंट है, कन्विक्शन है। मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति और मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति और मूल्याधिष्ठित शिक्षा पद्धति, जो कुछ दुनिया में बेस्ट है वो हम लेंगे। हमें टेक्नोलॉजी, अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी ले आएंगे, पर भारतीयता को नहीं छोड़ेंगे। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारी नैतिक मूल्य और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, ये हमारी ताकत है। हमें केवल आर्थिक व्यक्ति नहीं बनना है, आर्थिक प्रगति और विकास करने के साथ साथ भी ह्यूमैनिटी हो, अच्छे संस्कार हो, मूल्याधिष्ठित जीवन पर विश्वास रखने वाले अच्छे परिवार हो, हमारा आयुर्वेद, हमारा योग विज्ञान, हमारा संगीत, हमारी नृत्य कला है, ये कितनी बड़ी ताकत है, यहां बैठ के नहीं हमको पता चलता। जब हम लोग वर्ल्ड में जाते हैं, सब जगह पता चलता है कि इसको कितनी मान्यता है। तो एक तरफ हमारी इन सभी ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, इतिहास, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, फैमिली सिस्टम, इसके आधार पर ज्ञान विज्ञान तंत्र विज्ञान का समन्वय करके हमें ये विजन तैयार करनी होगी, और वो विजन आप सब लोग कर रहे हैं। और इसलिए मैं ज़्यादा कुछ, मेरा अधिकार नहीं है, पर एक बार यही मौका मुझे कानिटकर जी ने दिया कि मेरे मन में जो था शायद कुछ अच्छा होगा तो जरूर स्वीकार करिए, और कोई अगर गलत होगा तो उसको छोड़ दीजिए। पर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली आपके सामने ये रखने की, और इससे मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से हम आगे जाएंगे। मैं अक्सर एक बात को दोहराता हूँ कि देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इंटू अपॉर्चुनिटीज एंड देर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इंटू द प्रॉब्लम्स, पर आप उनमें से नहीं है। मेरा विश्वास है कि चैलेंजेस को स्वीकार करके राष्ट्र के पुनर्निर्माण का सपना साथ में लेकर सुखी, समृद्ध, संपन्न भारत, भय, भूख, आतंक, भ्रष्टाचार से मुक्त, वर्ल्ड की नंबर एक की ग्लोबल इकोनॉमी, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण, गांव और शहरों के बीच का अंतर कम करते हुए एक आत्मनिर्भर भारत की ओर ले जाने में आपका थिंकिंग, आपका चिंतन उपयोगी होगा। और इसके लिए इस एजुकेशन की विजन 2021 में इस देश की प्रगति और विकास को एब्सोल्यूट लेवल पर ले जाने के लिए जो सार्थक, अप्रोप्रिएट ऐसा जो विचार आप कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, यही विश्वास के साथ आपको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।